अजमेर में लगातार दो दिन तक हुई बारिश के बाद भी कई निचले इलाकों के साथ विभिन्न इलाकों में बारिश का पानी तीन दिन बाद भी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग खासे परेशान हो रहे हैं। अजमेर के आम का तालाब शक्तिनगर के बाशिंदे आज बारिश के पानी से हो रही परेशानी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला प्रशासन से पानी निकासी की मांग रखते हुए प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से आम का तालाब शक्तिनगर के बाशिंदे बारिश के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और इलाके में चारों ओर गंदा पानी पसरा हुआ है, जिससे गंभीर बीमारियां भी फैलने का डर है। ऐसे में जिला प्रशासन व नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी समस्या को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द कार्रवाई नहीं किए जाने पर क्षेत्रवासियों द्वारा एक बार फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे घर पानी से भरे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं। कई हम ही नहीं है, बहुत पब्लिक है हमारे पीछे, उनके घर डूबे पड़े हैं। उनकी लेडीज, बहुत सी लेडीज हैं डिलीवरी में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पानी भरा पड़ा है। आगे एक जगह नाले का निकास है, उस नाले को क्लियर खोला नहीं जा रहा है कि नाले को खोल दे तो हमारा पानी खाली हो जाए। हमारे घरों में तरार तक आ रखी है और बहुत से बच्चे ऐसे लोग हैं जो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे। अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं लेकिन वो पेपर देने भी नहीं जा पा रहे, छुट्टियाँ पड़े हैं, घर में बैठे हैं। ये मामला हमारे आम का तालाब शक्तिनगर का है, गुलाब आम का तालाब शक्तिनगर का है ये, और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम यहाँ से एक महीने से पानी भरा पड़ा हमारे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जाते हैं तो वहाँ कोई देखता नहीं है हमारे को, आते हैं देख के चले जाते हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आज हम कलेक्टर के यहाँ आए हैं कि बस आज पानी का निकास करवा के ही जाएंगे।